उत्तर प्रदेश में प्रयागराज का एक विशेष महत्व है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भले ही हो, लेकिन नेताओं की नजर और गतिविधियां प्रयागराज और आसपास के इलाके में भी खूब रहती है। यूपी में विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है, सभी पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं। वहीं इस बार आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अपना जोर लगा रही है। दिल्ली में लगातार अपना झंडा बुलंद करते हुए और पंजाब में अच्छी पकड़ बनाते हुए यूपी में भी कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की जीत देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज दक्षिणी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अल्फात अहमद अपने कार्यकर्ताओं के साथ एड़ी चोटी की मेहनत कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर अपनी बात रख रहे हैं और अपना चुनावी मैनिफेस्टो बता रहे हैं। उसी सिलसिले में डॉक्टर अल्ताफ अहमद महोबापुर में जनता से मुलाकात कर रहे थे, तभी 24 न्यूज से उन्होंने बात की और प्रयागराज की दुर्दशा पर गंभीर दुख जताया और कहा कि पिछले सरकारों से जनता त्रस्त है, कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। अगर जनता आम आदमी को मौका देगी तो प्रदेश और प्रयागराज के विकास के लिए हम लोग दिन रात काम करेंगे। आइए सुनते हैं आम आदमी पार्टी के दक्षिणी क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर अल्ताफ अहमद को। ये महेवा पूरा पट्टी एरिया है और यहाँ पर समस्याओं का अंबार है। यहाँ पर ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं, गरीब बस्तियाँ रहती हैं। यहाँ पर जो है सड़कों की, नालियों की, रोज़गार की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं और लोग परेशान हैं। लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट देने का वादा किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा यहाँ से मैंडेट पाएगी। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।